लॉस कर। मेरे पेड़े जूते साले वाले काम कर रहा है, जूती जब ही दूंगी जब तू पीछे देगा। Hey, what's up guys, this is Shomgo, and welcome back to my channel with another vlog. So guys, आज है ट्यूसडे, तो आज है तुम्हारे भाई का बाइसेप का डे। आज मंगलवार भी है, तो वैसे ना मैं मंगलवार को हर मंगलवार को मंदिर जाता हूँ, तो अभी भी मंदिर जाना है मुझे। अभी नीचे जाके एक बार नहा लेता हूँ मैं, बाद मंदिर चलते हैं, फिर उसके बाद लेंगे केले कोड़े कलरन को भी पकड़ा के आएंगे। मेरे गले में दर्द हो रहा है बहुत तेज, गले और पेट में अच्छे ज्यादा वाले। कपड़े तो इधर नहीं है मेरे, कपड़े तो नीचे, मैंने रात में धोए थे ना कपड़े, मुझे लग रहा है भाई साहब कपड़े सारे गंदे हो रहे थे सारे रात में जब धोए ना, जब पता लगा भाई साहब बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं, पता नहीं कपड़े सूखे हैं नहीं सूखे हैं। मेरे पत्नी उसको लग रखे तार पे दिखा रहा हूँ तुम्हें, रुको। रात मैंने बाइक भी धो दी थी, गिले हो रहे होंगे, हल्के हल्के रह रहे हैं, सूख गए, सूख गए मैक्सिमम सूख गए। ले भाई वेट है, ये वाले ये पहनूंगा और ये पहनूंगा और ये टी शर्ट पहनूंगा, ये सूख गए। अगर पानी चला देता हूँ मैं नहा लूँ। गाइस मैं नहा धो के रेडी हो गया हूं, तो अभी जा रहा हूं मैं मंदिर। बाइक में मैंने रात में बाइक धो दी थी मैंने, पता नहीं स्टार्ट होगी नहीं होगी, क्योंकि ना रात में प्लग में कपड़ा वो मारते थे मैंने, पानी बहुत सारा। दस अक्टूबर बिल्लू तुम्हारी जेल से फरार। सो गाइस मैं अपने घर से फरार हो गया हूं मंदिर के लिए, तो अभी चलते हैं एक बार मंदिर। गाइस मैं पहुंच गया हूं मंदिर वाली गली में, तो अभी एक बार मैं पूजा कर लेता हूं, उसके बाद ना पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, पेट्रोल खत्म हो गया मेरी बाइक का, भाई साहब गुर गुर कर रही है अब तो, कहीं मुझे लगता है पैदल ही जाना पड़ेगा मुझे लेकर भाई, डर ही लगा था साइड में। ये गाइस मंदिर बालाजी का, हनुमान जी का। गाइस मैंने पूजा कर लिया हनुमान जी की, तो अभी मैं जा रहा हूँ एक पेट्रोल लगवा लेता हूँ जाके, पता नहीं मेरे को लग नहीं रहा पेट्रोल पंप तक जाएगी नहीं जाएगी, बंद हो गई थी रास्ते में ही, लगभग पहुंच ही गई थी रास्ते में, बंद हो गई थी जहाँ पे वो टेम्पो खड़े थे ना वहाँ पर, बस वहीं पर बंद हो, इसके अलावा और कहीं बंद हुई। तो अभी मैं एक बार अपनी मार्केट कर लेता हूँ, मार्केट जब कर लूंगा ना उसके बाद करण को केले दे के आऊंगा और अपने खुद भी ले लूंगा, अभी नहीं ले रहा। गाइस मेरा काम तो खत्म हो गया पर मेरे कलेश नहीं मिटते, तो अभी एक बार मैं एक बार केले ले लेता हूँ जाके, करण को भी देने मुझे भी खाने भूख लग रही है बहुत। गाइस मैंने दो जगह केले ले लिए, तो एक करण को देखा था पहले, चलो फिर तेरे गले लेकर आया हूँ, लॉस कर। मेरा लॉस रिकवर करवा दे, मैं पानी में पड़ी हूँ क्या उस्ताद, आज एक दिन था लास्ट, बस खत्म, तेरे केले का पैसे देगा तू, चार पांच दिन हो गए। देखिए ओ भाई साहब फर्क दिखा, बहुत फर्क दिखा, चल चल भीतर चल, इसमें नहीं जाना। अरे पर चलना एक्टर यार, 24 घंटे मजाक क्यों कर रखे पड़ा, वैसे इसमें करण इतना बहुत है तेरे लिए, घर इसमें रह सकता है तू, है ना, रह सकता है ना, अपनी बहू ने लेके गया, ले तू अपने केले पकड़, मैं जाऊंगा ला उस्ताद, ले ले कल तो 20 रुपए पेटीएम करिए ना, गुस्सा मारो। हाँ मैंने भी केले खा लिए, तो एक बार मैं करण के साथ जा रहा हूँ, ये ना बैठता नहीं है 24 घंटे, मुझे इधर से उधर घुमाता रहता है। हाँ उस्ताद, हाँ अरे भाई बॉडी बन गई तेरी तो, ईटी में ठार लग गया तू तो, रेडी उठाइए, रेडी उठाइए, रहने दो उस्ताद, चलो किस जाना है, शिमले भाजा का, गाइस जो भाजा का यहाँ से नहीं शिमले नजर आ रहे हैं। ओ लैला बदमाश, ओ लैला गाइस सामने प्रियांशु खड़ा हुआ है उधर, अब आएगा वो भक्के, आ रहा है शर्मा हो छोरा, मेरी जेब में तेरा फोन है, तेरी छाती पर बाल बहुत है, चल ट्रिमर तो मरवाऊंगा गुजार की दुकान में, नवरात्र है आज, पहला दिन नवरात्र का, कोई गंदी गंदी बात मत करिए मेरे भाई, देख ठीक है क्या ले नवीन भाई। उस साथ इसके सिम कार्ड दो, बाजा का काट दे, ये भी नंबर 00 काट दे आज, शून्य 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 काट दे, इससे मत करो ये भी नंबर फ्रॉड है ना, बेस्ट फ्रॉडी आदमी आई हूँ, पर इन मैंने ना बहुत बढ़िया नंबर दिया है वो नहीं ले रहा, इस भाई साहब को नया नंबर चाहिए वीआईपी नंबर, एक काम करे तेरी शकल है वीआईपी वाली, तू है वीआईपी, ठीक है ये के नंबर ले रहा है, ये ना मेरी बात सुन, अरे उड़े पे वॉच चैनल बहुत रियल पर के सुनाओ, 0602 नंबर दिला दिया, अरे उस्ताद चल ना यार काम भी हो, और ओ भाई अपना दुकान बोलो, अरे मत खड़े हो करो चल, तो बैंक में इतने खतरनाक एक्टर आवा, एक नु बोले बैंक वाले, तो तुम आधार कार्ड से पैसे डाल सकते हो तो निकाल क्यों नहीं सकते, मैं चला भाई तू चला तेरे घर चलते दुकान पे, अबे बड़ा है क्या तुम निकाल सकते हो तो डाल क्यों नहीं सकते, हां ऐसा बोल रहा हूं, चाबी का चाबी आपके पास है सर, हम पोपो की दुकान पे है, तू आ जा गाइस, मोंटी का फोन आया हुआ है, उसका भी आया मोंटी का, अरे मजाक से हटके मोंटी का भी आया, इसका क्यों मुंह बन रहा है, इसका मुंह बना रहा है साले, इसका बोलना है गाइस ये हो रही, अरे मजाक से हटके मोंटी का भी आया, किसका भी आया, मैंने दिखा मेरा कार्ड कितने पहले, यो क्यों कर रखा तुमने भाई साहब, यो गलत करा तुमने, यो क्यों करा तुमने, तो इन्होंने मेरे कार्ड में मेरा ही लिख रखा है उस्ताद, दिखा और पहले कैमरा बंद कर लेंगे। गाइस मोंटी झूठ बोला था, उसका ब्याह नहीं है कि श्रीमान सुखा है, मैं अपना नाम नहीं दिखा सकता, इसने बहुत गंदा लिख रखा है मेरे नाम पे, तुम अपना दिखाइयो, तेरा तो सही लिख रखा है करण विद फैमिली, मैं नहीं दिखा सकता अपना भाई,
उस्ताद तना जो भी करा ना बहुत गलत करा तना ना है? यार ये ऐसे नाम कौन लिखता है मेरे कार्ड पे? यार तुम बहुत बेकार हो यार, तुमने जो नाम लिखा ना करो नाम किसी ना दिख गया ना नाश मिलेगा उस्ताद। लोनी लोनी जाएंगे, लोनी जाएंगे सेक्टर दे वो पुराने मंदिर के पीछे, ठीक है वहां तो जरूर जाना है। क्यों क्यों मतलब होया? नोटी हो रहा साला भाई, तोड़िए मत यार। हाँ हाँ नाम नहीं दिखा रहा मैं उस्ताद। बारात में जब आऊंगे जब तुम तीन मना कपड़े दिवाई था कोट पैंट इस पैंट शर्ट मुझे पैंट शर्ट बता ना भाई मोंटी भाई तू चिंता ना कर मैं अपना पा दूंगा। अच्छा मेरे तो दीवाने पड़ेंगे दिन बुक करूंगा 21 तारीख को ही खाऊंगा सीधा भाई। मेरे को तो दिलवाने पड़ेंगे तुझे देख उस्ताद मोंटे, देखो मेरे को दिलवाने पड़ेंगे ब्लैक शर्ट एक पैंट और व्हाइट जूते। साली वाले काम कर रहा है, जूती जब ही देऊंगी जब तू पीछे देगा। बारात में जब ही आऊंगा जब तू लगते तो आऊंगा। और मेरे भाई ने भी तो दिवाई थे, मना किस दिवाई थे, मना क्यों दिवाऊं? अमन ने दिवाई थे भाई कपड़े, दिवाई थे अमन ने बहुत सारे। कार्ड दिया था तूने किसने? अपने भाई के भी अपने मैंने। तुम यूपी चले जाते जाने के लिए हम पता ना कहां चले जाते। मैंने इससे कही दिवाई चल अपनी गाड़ी लेके, नियत होनी चाहिए। पोपो ने बोला था, पोपो बोला ना कि गाड़ी लेके चला था उसकी मोंटी की, उसकी घर चला था मोंटी की गाड़ी लेके। झूठ बोला साले, तने कही थी मोंटी ने कही थी। ऐसा भाई मार मत उस्ताद, चल लगा तू कपड़े दिवा कर लाओगा ना तो जाऊँ। क्या है प्रशांत भैया भाई तुम्हारे रिवील हो गए, बाल सारे रिवील हो गए तुम्हारा। तो भाई जाओगा यूट्यूब पर भाई प्रशांत। और ये किसका है? करण बहुत बेकार बालक है, इस पर भरोसा मत करियो। 30 रुपए की चौमिन मंगावा है, खाने वाले दो हैं बता। 20 और दे दो 50 की लाऊंगा उस्ताद। दे तो दे यार 20 तो दे दे यार। 20 तो अपने पास से मिला ले। क्यों मिला ले? मैं तो नहीं फिर लॉस में 20 34 वाला दूध पिया ना। हाँ मेरे वो पैसे बड़ा तेज लिकड़ा है तो भाई बहुत तेज। देखिए श्याणा मन के देखा गुद्दी पर मारूंगा इसकी। देख चाउमीन बना दिया 50 रुपए की, लसन प्याज मत डालो ठीक है कभी भी नहीं। टाइम पास नहीं मेरे जान, तन्ने बुलाया था कि हम राजमा चावल खाने जाएंगे और तू यहाँ बैठ के बिरयानी खा रहा उस्ताद। ये सबसे बड़ी बात लगी मुझे, मैं ये केक छीन कर रहा था ना मेरी गल। मैं भाई चौमिन छोड़ गया हूँ करण की दुकान था, मैं बिरयानी बोला राजमा चावल खाने चलेंगे, राजमा चावल नहीं खिलाओ कला। मैं जिम जाऊँ भाई, कुछ खवा के ला रहा है बता। भाई बता दे भाई तेरे पास टाइम है 10 मिनट जाऊँ मैं जिम बतावा कुछ। तू वो पिला दे मैंने वो कैन वो जो कल पिलाई थी तेने, दे पैसे। गाइस मैं ये हरी कैन लेके आऊँ, क्या नाम है इसका, होरी होरी कैन जो भी है हमने की बेरा। सॉफ्ट ड्रिंक पी के मैं जिम जाऊँ बता। 20 रुपए की आ रही है रेट, इस पे बहुत महंगा है। क्या तेरे तक किसने बताया इसका होलसेल रेट रहा? गाइस पापा के पास बहुत टाइम पास कर लिया, 2 बज गए तो अभी मैं जिम जा रहा हूँ। तो गाइस मैं जिम पहुंच गया हूँ और यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप हो रही है तो इस वजह से आया हूँ जिम। मैं सोच कर लेजिस भी खुल गए, कोई फायदा ना दोपहर में घर बैठने से बढ़िया बना जिम आ जाओ भाई। जिम में थोड़ा रिलैक्समेंट फील होगा, मोटिवेशन मिलेगी। मोटिवेशन बताओ कैसे मिलेगी है, मजाक से हटके बताओ। अपनी बंदी के नए यार में देख लो कैसा दिखा है वो। जब तुम्हें बहुत तगड़ी मोटिवेशन मिलेगी मजाक से सीरियसली बता दो या दिमाग में एक बार सोच लो, अपनी बंदी ने सोच लो या उसके बंदे ने सोच लो। मैं यार इतनी बुरी शक्ल तो नहीं है मेरी, इससे बढ़िया यार पंखा ही चलाए, इससे बढ़िया तो फिजिक मेरी है, फिजिक भी मेरी है, टाइमिंग भी मेरी है। और उस्ताद जी क्या बोल दिया मैंने, आज दरवाजा नहीं खोल रही है गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, बाबा सी बन जाएगी बहुत ज्यादा। आह हा बहुत रिलैक्समेंट फील हो भाई सब पंखे के नीचे आते बहुत ज्यादा। मैंने अपनी टोपी और बैग इधर रख दिया, शर्ट उधर रख दिया, तो अभी मैं अपना वार्म अप स्टार्ट करता हूँ उधर डंबल टंबल सेट करके आराम से। सोच रहा हूँ आज फिर स्प्रिंट कर लूँ एक, हाँ स्प्रिंट करूंगा दोबारा, भाजेंगे रनिंग मशीन पर बहुत तेज भाजेंगे। और फोन बड़े सेट करूँगा तो बस रनिंग से ज़्यादा कुछ वार्म अप नहीं कर रहे, तो आज का मेरा वार्म अप सिर्फ रनिंग ही था, तो अभी मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट कर देता तो गाइज मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो गया है, तो अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करना मुझे बस। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, सब्सक्राइब मेरे चैनल, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर दो।